हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्रीकल्चर में। मैं नीरज अग्रहरी और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक्स। ये जो जितने भी सवाल आज इसमें हम आपको बताएंगे और उसके उत्तर के सहित, ये आपको ICAR, BHU और UPCATET तीनों परीक्षाओं में मदद करेंगे। और ना सिर्फ ये UG बल्कि PG वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस प्रश्नों का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसे ध्यान से देखिएगा आप सभी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ज़्यादातर मदद करेंगे जो PG एग्रोनॉमी से कर रहे हैं या फिर एग्रोनॉमी से संबंधित विषयों से कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है वो एग्रोनॉमी को लेकर काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, द बुक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाई। तो कुछ लोग इसमें से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, ये बुक है आर्थर यंग की। मैं दोस्तों चारों ऑप्शन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। वो है, इन इंडिया फर्स्ट सेपरेटेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश इन। भारत में पहला कृषि को लेकर अलग से विभाजन कौन सा डिपार्टमेंट बना और कब बना? तो ये 1881 यानी 1881 में बना था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ये ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी कि तिलहनी फसलों से। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग एलिवेशन बोथ एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट आर। तो इसका आंसर है डिक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द नेट एसिमिलेशन रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पावर माइनस टू और इनटू डे पावर माइनस वन। ये दोनों लिखने के एक तरीके हैं, आप चाहें जैसे इसे पढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है छठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जियोमेट्री इंश्योर यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू क्रॉप। तो कौन सा ऐसा क्रॉप है वो है कौन सा ऐसा तरीका है स्क्वायर, जब भी हम स्क्वायर तरीका यूज़ करते हैं फील्ड पर तो उसमें इक्वली सोलर रेडिएशन मिलता है। आगे हम बात करते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की। तो है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो इज, आलू का उत्पत्ति केंद्र कहाँ पर है? तो आप सभी से पढ़े होंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन में, तो उसका आंसर है साउथ अमेरिका, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है पूरा कॉन्टिनेंट, वही इसका आंसर है। आठवां हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो है, कंजर्वेशन टिलेज टेंस टू इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा, हायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द टिल्थ इज डायनेमिक इन नेचर कैन बी मेजर्ड बाई। तो इसका आंसर क्या है, एग्रीगेट एनालिसिस। आप इसे देखते चलिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप अगर आपको ये वीडियो सही से ना दिख रहा हो या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसे लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ध्यान से वहाँ देख सकते हैं PDF को। हमारा अगला क्वेश्चन है दसवां, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉम्प्लीमेंटेड बाई। तो इसका आंसर है बी, यानी रूट एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल एब्जॉर्ब्स अबाउट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कितना जो सॉइल है वो कितना अब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन? इसका करेक्ट आंसर है 10%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर अबव डैश मिलीग्राम पर लीटर आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी 10 मिलीग्राम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बायो जियो केमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल हैव लेड टू रिकॉग्नाइज दैट डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि ए वाला इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेव लेंथ लॉन्गर देन डैश मीटर पर माइक्रोमीटर इज नॉट विजिबल टू द आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड। तो कितने रेंज में होता है ये? इसका आंसर होगा डी वाला, यानी 750। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर सरफेस विंड्स आर नोन एज। तो ऐसे हवाएं क्या कहलाती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। आप इनके बारे में पढ़े होंगे, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं, क्योंकि ये बहुत सारा मदद करती हैं, इनको इसीलिए ट्रेंड विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा मदद करती हैं व्यवसाय के लिए, तो इसीलिए इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं क्या है, तो है,
द स्प्रेड ड्रिफ्ट ऑफ 2,4-D स्ट्रफॉर्म कैन कॉज कंसिडरेबल डैमेज इन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉटन, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड क्रॉप प्लांटेड एट स्पेसिंग ऑफ 15-20 सेंटीमीटर विल हैव डैश है प्लांट पर हेक्टेयर, तो कितना होगा? वन लाख प्लांट पर हेक्टेयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये लिखा है आपका 12-13, कंप्राइजिंग द स्टेट गुजरात रिप्रेजेंट डैश है टाइप क्लाइमेट, तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी कि एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड। दोस्तों ये क्वेश्चंस इंग्लिश में, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो आप उसे PDF में नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसे डाल दूंगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन, तो अच्छे से क्रॉप का प्रोडक्शन होने के लिए टेम्परेचर कितने से कितने के बीच होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसका आंसर है 18-24 सेल्सियस, यानी 18-24 सेल्सियस। इस टेम्परेचर में ही लगभग आपके बहुत सारे क्रॉप अच्छे से बेटर प्रोडक्शन देते हैं, तो 18-24 सेल्सियस क्या है? एक अनुकूलतम तापमान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ विंड, तो आप सभी जानते हैं एनीमोमीटर से मापते हैं हवा का रुख। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैविंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, तो एवेना फटुआ इसे मानते हैं कि इसके पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाई ड्रिफ्ट, तो इसका आंसर है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीड एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आप सभी देख लीजिए, पहला स्ट्राइगा सोरघम, ये तो करेक्टली है, दूसरा कोस्कुटा लूसन सही है, तीसरा है टाइफा सुगर गेन, यही नहीं सही दोस्तों, और चौथा और बैंकी टोबैको, तो ये भी सही है, तो इसमें दोस्तों सी गलत है, टाइफा सुगर गेन का नहीं होता। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड, तो इसका आंसर है बी, यानी कि एंटीडोट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेल सीड बेड टेक्निक ऑफ वीट कंट्रोल इज अ, तो इसका आंसर है कल्चरल मेथड। तो स्टेल सीड बेड टेक्निक क्या है? कल्चरल मेथड है। दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन हो इन्हें आप टिक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थियोकार्बामेट्स वीएस EPTC अ सॉइल इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड इज रेडली अब्जॉर्ब बाई रूट्स एंड कोलियोप्टाइल एंड इज ट्रांसलोकेटेड बाई, तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज, यानी कि ओनली अपवर्ड ओनली डाउनवर्ड, यानी दोनों होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लॉस ऑफ यूरिया हर्बिसाइड फ्रॉम डैश सॉइल सरफेस, तो इसका आंसर है ड्राई, यानी कि सूखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है, वीडियो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो आज मैं इसको 10 मिनट तक ही बनाऊंगा, इसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को डालूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डैश AI यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपॉन हेक्टेयर हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर वीट कंट्रोल मेजर इन मूंग बीन, तो इसका आंसर है फ्लूक्लोरेलिन एट 1 kg। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज इंडिकेटर प्लांट फॉर द बायोसी ऑफ एट्राजीन, तो इसका आंसर है डी, सोयाबीन। सोयाबीन के लिए कौन सा है ये इंडिकेटर प्लांट की तरह काम करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ एलाल्कोल 50% नीडेड फॉर स्प्रेइंग 1 hectare एट 0.75 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, तो कितना है? 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हेन 10 kg 2,4-D इज मिक्स्ड इन 1000 लीटर वाटर विल गिव कंसंट्रेशन, तो कितना देगा? 10,000 ppm। ओके आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ ए क्रॉप आर मोर प्रोन टू वीट कंपटीशन, कौन सा जो स्टेज है क्रॉप का वो ज़्यादा झुकाव होता है उसके वीट कंपटीशन के लिए, तो इसका दोस्तों आंसर होगा जर्मिनेशन टू सीडलिंग, यानी कि जब पौधा अंकुरण हो रहा है और बस सीडलिंग की ओर बढ़ रहा है, उस समय सबसे ज़्यादा उसका क्रॉप वीट कंपटीशन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, P power F refers to, P power F का क्या मतलब है?
तो उसका है लॉगरिथमिक ऑफ सॉयल मॉइस्चर टेंशन, जो सॉयल में मॉइस्चर का टेंशन है उसे हम प्रदर्शित करते हैं पी पावर एफ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ सॉयल मॉइस्चर, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, तो आई आर इज्कल टू डब्ल्यू आर माइनस ई आर प्लस एस, ये वाला सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट विल बी सी पी ई वैल्यू व्हेन इरिगेशन इज शेड्यूल्ड एट 0.8 आई डब्ल्यू अपॉन सी पी ई विथ 6.0 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, तो इसका आंसर सही है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 मिलीमीटर, क्योंकि उसको जब चेंज करेंगे मिलीमीटर में तो इतना ही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो है, ये वीडियो ज़्यादा मदद करेगा उन लोगों को जो ICAR की तैयारी कर रहे हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी मदद करेगा जो UPCATET की तैयारी कर रहे हैं, और PG में जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है फॉर JRF और अदर थिंग्स, उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है इसमें क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान से देखिए, देखते रहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इसे जुटाते हैं काफ़ी मेहनत से, तो हमारे मेहनत का थोड़ा सम्मान कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो तैयारी को लेकर सीरियस हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।